देखिए लॉर्ड जंगल पुष्पा 2 से काफी बड़ी न्यूज आ गई है। फिल्म रिलीज से पहले ही सारे बड़े पैन इंडिया फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो आइए जानते हैं भाई आखिर पुष्पा 2 ने क्या तबाही मचा दिया है इंडियन सिनेमा में। एक्चुअली में कल ही पुष्पा द रूल का ऑडियो राइट टी सीरीज कंपनी ने खरीद लिया और जिस दाम में खरीदा है ना टी सीरीज सिर्फ ऑडियो राइट वही काफी बड़ा आश्चर्यजनक दाम है। जी हाँ टोटल 65 करोड़ में पुष्पा 2 का ऑडियो बिका है सारे लैंग्वेजेस का। और आपको बता दूं 65 करोड़ के साथ पुष्पा 2 इंडिया का नंबर 1 फिल्म बन गई है। इसके आगे या पीछे कोई नहीं है इंडिया में। जो फिल्म इस ऑडियो राइट के रेस में सेकंड पोजीशन पर है उसका ऑडियो राइट पुष्पा 2 का आधा प्राइस में भी नहीं बिका था। चलिए आपको बता ही देता हूँ इससे पहले ये रिकॉर्ड राजा मुनेश्वर की RRR फिल्म का था। इसका ऑडियो राइट 26 करोड़ में बिका था सारे टी सीरीज ने खरीदी थी। फिर उसके बाद पोनियन सेल्वन का ऑडियो राइट 24 करोड़ में टीप ऑफिशियल कंपनी ने खरीदा था। फिर पोनियन सेल्वन के बाद ये रिकॉर्ड प्रभास सर की साहू के पास था। इस फिल्म का 2018 में सबका रिकॉर्ड पीछे करते हुए पूरे 20 करोड़ में बिका था ऑडियो राइट। मान लो भाई प्रभास सर की साहू उस जमाने की पुष्पा 2 थी। अगर उसका कंटेंट ज्यादा अच्छा होता तो 2000 करोड़ भी आराम से कमा सकती थी वो फिल्म। इतना क्रेज लेवल था उस फिल्म का। और साथ में भी जान लीजिए जो थालापेट विजय सर की लियो फिल्म है उसका भी ऑडियो राइट सोनी म्यूजिक कंपनी ने खरीद लिया है लेकिन सिर्फ 16 करोड़ में। खैर कोई नहीं विजय सर की लियो 2 भी पुष्पा 2 का रिकॉर्ड पीछे करेगी अब की बार। यानी कि भैया अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 ने रिलीज से पहले ही 65 करोड़ कमा लिया वो भी सिर्फ ऑडियो बेच कर। वैसे आपको बता दो पुष्पा 2 का बजट 350 करोड़ है और अपने अल्लू अर्जुन ने प्रोड्यूसर मिथ्री मूवी से बोल दिया कैसे भी रिलीज से पहले फिल्म का कलेक्शन 900 करोड़ होना चाहिए सारे ऑडियो OTT और थिएटर राइट बेच कर। मतलब भाई ये तो अभी बस शुरुआत है। पुष्पा 2 हर एक कैटेगरी में सबका रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला है और वो भी ब्रेक करके ऐसा खुद का रिकॉर्ड बना रहा है कि इसके आसपास बाकी पैन इंडिया फिल्म आ ही नहीं सकती है इस साल। तो देखते हैं भाई आगे पुष्पा 2 वाले क्या क्या करते हैं। वैसे भाई फिल्म का शूटिंग फिर से चालू हो गई है और इस बार रामोजी फिल्म सिटी में किया जा रहा है शूटिंग हैदराबाद वाला। फिर उसके बाद अगला शूटिंग शेड्यूल किसी फॉरेन देश में करेंगे अल्लू अर्जुन सुकुमार सर के साथ। बाकी भाई इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप ऐसी और अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक आप सभी को अलविदा।